शासक विजु जनता दल द्वारा गोटे सांबादिक सम्मेलनी डका जायथिला एवं सेथरे माननीय प्रधानमंत्री को अपमानित करा जायथिला। ता पूर्व दिन रेलवे बजेट रे ओडिसा को पाखापाखी 7000 कोटी टंका केंद्र सरकार देइचंती, जोटा गोटे ऐतिहासिक संख्या। पूर्वरु मोदी सरकार आसीबा पूर्वरु 200, 400, 600 कोटी भितर रेलवे बजेट सीमित होता। मोदी सरकार 2014 रे आसला परे 5000, 6000 एमिति कि एही थरक चलित वर्ष सेटा 7000 कोटी टंका हिछ। जेतेबेले ओडिसा सरकार एवं शासक दल जो माने दीर्घ दिन धरिकी केन्द्र अवहेला कथा कहुतिले 7000 कोटी टंका रेलवे पई आसीछि, जो पेंडिंग प्रोजेक्ट अछि सेगुडा केमती कंप्लीट करा जिवो ता पई की पैसा आसीछि, एमाने मोदी सरकार को धन्यवाद दबा जागे रे मोदी सरकार कर ये जो ऐतिहासिक अनुदान लगी तंकु धन्यवाद दबा जागे रे तंकु ब्रिटिश शासन सहित तुलना कले ओडिसा रो खनिज पदार्थ रेलवे जोगे लुटी नहीं जाउचंती केंद्र सरकार बोली ए जो लांछरा लगेले ता पई आमे मोदी सरकार को तरफ रु आमे भारतीय जनता पार्टी तरफ रु शासक विजु जनता दल को भत्सना करछु। जेतेबेले ओडिसा रे मोदी कर लोकप्रियता 91% जैकी पहुंचिलाणी 91% रु ऊर्ध ओडिया पसंद करचंती प्रधानमंत्री मोदी को, आउ मोदी सेई लोक मागिबा पूर्वरु अनुदान दउचंती, मागिबा पूर्वरु आकाश मार्ग रो परिदर्शन करी अम्फन पाई 500 कोटी टंका देइथिबा व्यक्ति होचंती नरेंद्र मोदी। तांका दायित्व को भल भांति बुझिचंती, देशर सर्वांगीन विकास पाई की केमिति पछुआ राज्य ओडिसा भली पछुआ राज्य अधिक अनुदान पाइब से दायित्व निज ऊपर को लेथिबा व्यक्ति तो होचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तांको धन्यवाद दबा जागरे तांको ब्रिटिश शासन संगे तुलना कले विजु जनता दल यार आमे निंदा करछु। मोदी केवल हिंदू हृदय सम्राट नुए आज ओडिया हृदय सम्राट हो पारिचंती, केवल तांकर विभिन्न योजना लागि आउ ओडिसा को जो पर्याप्त अनुदान घर हो पायखाना हो बिजुली हो रास्ता हो पोर्ट हो हाईवे हो सब कथा रे बा ओडिया मान को सम्मानित करबा कथा हो पद्म पुरस्कार कथा हो मोदी सब बेले आपण देखंतु गत 6-6.5 वर्ष भितरे पर्याप्त जिनस देचंती ओडिसा प्रति, याको न चिन्ही किरी मोदी को लांछना दबा अत्यंत दुर्भाग्यजनक। आउ बीज शासक विजु जनता दल रो भय को परिप्रकाश करूछि, से माने छानिया हे गेलेनी जे मोदी एते लोकप्रिय केवल देश रे नुए समग्र विश्व रे भी जो लोकप्रियतार शीर्ष को पहुंची पारिचंती मोदी सरकार, सेति पाई कि आज विजु जनता दल भयभीत एवं सेति पाई कि से माने मोदी जी को कल्पना करूचंती तुलना करूचंती ब्रिटिश शासन सहित। बंधुगण मो शासक विजु जनता दल को कहबाकू चाहे बहुत शिक्षित लोक दल रे अछंती किंतु प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस आग सिखंत को आधार पे शासन करा जाए, नेशन स्टेट रो कांसेप्ट बुझंत। ओडिसा भारत वर्ष होची गोटे नेशन स्टेट, ये पाश्चात्य देश नुए, एठी सब राज्य को मिसेई किरी गोटे देश तयारी हिची आउ ताकु नेशन स्टेट कहा जाउची एवं देशर सब राज्यर संपद होची देशर संपद। एठी जो राज्य जेतिक कंट्रीब्यूट करि पारिबो फेडरल स्ट्रक्चर रे सेटा तार कंट्रीब्यूशन, जो राज्यर जेतिक आवश्यकता ताकु सेतिक दबा होची केंद्र सरकारंकर दायित्व एवं मोदी सरकार ताकु भलो भांति तुलेचंत। आमे देखु जे जे विजु जनता दल एठी शासन गोटे दोकान खाता आधार रे करबाकु चाहौछ, आमे एतिकी देलु आमे केतिकी पाइलु सेई आधार रे देशर शासन करा जाय, देशर शासन करा जाय जहाँ को जेतिकी आवश्यक
केन्द्र पाखे पहुंचु रेवेन्यूज केमी राज्य मान समतुल भाव बंटा जा ये केन्द्र सरकार दायित्व आम देखुचे जे से दायित्व को मोदी सरकार ठीक भाव निर्वाह कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो रही जहाँ पोर्ट्स हूँ रेलवाई हूँ रास्ता हूँ पावर हूँ ये सब है केंद्र सरकार प्रोजेक्ट जोटा जो राज्य को जी दरकार से बांटिक दिजा पोर्ट तो आम देश में बारटा अच्छे किंतु से पोर्ट लाभ सब राज्य पाँच तेनालीबा जे आम रेलवाई देलु एति पाइबु एटा केवल दुकान खाता हिसाब एटा देश चलेबार हिसाब नुहे जदि राज्य सरकार एत बड़ बड़ कथा कहते जे तुम्हें आमठू नहीं गल आमको किसी देल ना ताले आमे तांकु कहुचु जे सुंदरगढ़ केउंझर रु तमे टंका आड़ी के एठी भुवनेश्वर रे खेल करुचु ता उपरे राज्य सरकार टिके अनुध्यान करंतु डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड रे खणी रु जाउतबा पैसा पर्याप्त राज्य सरकार को दिया जाउची विभिन्न जिल्ला मानंकु आसुची जो जिल्ला रु खणी उत्पादन हुए एवं जो जिल्लार डेवलपमेंटल वर्क पारिपार्श्विक डेवलपमेंटल वर्क ए पैसा लगवा कथा किंतु राज्य सरकार डीएमएफ फंड मात्र सात भाग रु गोटे भाग खर्च करग खर्च ही कर विषय राज्य सरकार मत रखे किवल देश देने हम ना जो पैसा आसुची पैसा आसुची केते पैसा खर्च करछ केते पैसा ठीक भावरे उचित हिताधिकारी पाखरे पहुंचेछ ए हिसाब भी राज्यवासी का आगरे राज्य सरकार रखंतु बोली आम दाबी गतकाली तांका सांबादिक सम्मेलन रे सेमाने कोल रॉयल्टी कथा कहिले जे एते कोल रॉयल्टी नै जाउचंती केन्द्र सरकार सब आम राज्य रो नै जाउचंती कोल एवं स्टील विभाग दीर्घ समय धरिकी दीर्घ वर्ष धरिकी राज्यर शासन मुखिया परिवार पाखरे दल पाखरे भल भाव जानती कोल रॉयल्टी रो मेकानिजम गोटे समय थिला जेते बेले मानंकु निज भाई बंधु कुटुंब को निज पैतृक संपत्ति भलिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जी चिन्हा जड़ा अच्छी भितर बंटा जाउतला किंतु मोदी सरकार आसला पर से आईन रो संशोधन करके यार खोला नीलाम कले या फल कोल रॉयल्टी केते परिमाण रे बढ़ला आपण माने भल भाति जानिछन्ति आपण को डीएमएफ रे केते अधिक अनुदान आसला आपण माने भल भाति जानिछन्ति ताकू खर्च करि परिनांति जदि आपणकर एते चिंता जे कोल राज्य रु पळेला राज्य सरकार को किए मना करितला एठी कोल बेस्ड पावर प्लांट लगेबा पाई एठी कोल बेस्ड फैक्ट्री लगे किए मना कर राज्य सरकार लगौना आज भी आम आह्वान करते कोल बेस्ड पावर प्लांट लगे केते कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज ये स्थापना कर सटीक तथ्य ओडावासी आगे रख खाली मोदी को ब्रिटिश सरकार बोली कहीकि गाड़ी देने ये हम ना कई स्वीकार करेंशावासी मोदी को भल पाच हृदय भल पाई आप कोल बेस्ड इंडस्ट्री एटी सेटअप करी पारले नाही कोल बेस्ड पावर प्लांट एटी सेटअप करी पारले नाही उल्टा अन्य को मुंडरे दोषारोप करचंत मोदी नहीं गले बोली कहिले आमे पचारचो आज हजार हजार वर्ष पुराणा ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर आमर ऐतिह परंपरार एटा गोटे बड़ प्रतीक आपण सौंदर्यीकरण ना रातारात बुलडोजर लगे ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर पारिपार्श्विक जो मंदिर रही जो भंगा रुजा कले आति अधिया कबाड़ी बाला को बिकिदेले से जो ऐतिह बाहर या कौन कह जाए जो मैंने भली हिंदू परंपरा हिंदू संस्कृति को क्षुर्ण करती विकृत करती कबाड़ी बाला को बिकती
ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି କହିବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଳା ପାହାଡ଼ ଇଏ କଳା ପାହାଡ଼ ଭଳି ରାତି ଅଧିଆ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ତାର ୟାକୁ ଆମେ ଟଙ୍କାରେ ହିସାବ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆପଣ ହୁଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହଉ ଶୁକସାରୀ ମନ୍ଦିର ହଉ ଇଏ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟ ଯାହାର ଆମେ କୌଣସି ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ରାତି ଅଧିଆ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକି ଭାଙ୍ଗିକିରି କବାଡ଼ିବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ ତ କୋଉ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନେଇଗଲା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି ସିଏ ନେଇଗଲା ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତ ମୋଦି ସରକାର ଆସିଲା ପରଠୁ 2014 ପାଖରୁ ଓଡ଼ିଶା 3,65,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସା ପାଇଲାଣି କେବଳ କିଛି ଅନୁଦାନ କିଛି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 3,274 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ହିସାବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ 8,816 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ 4,424 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 28,953 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଉ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାରେ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଇସା ଓଡ଼ିଶା ପାଇପାରିଲାଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଅନେକ ହିସାବ ରହିଛି ପୋର୍ଟ ରହିଛି ରେଲୱେଜ୍ ରହିଛି ରୋଡ୍ ରହିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି ଅନେକ ଯୋଜନା ଆହୁରି ବାକି ରହିଛି ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ହିସାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଲି କହିବାର କଥା ନୁହେଁ ହିସାବ ରଖୁଛୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସହିତ ତୁଳନା କରିକିରି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଆପଣ କଳା ପାହାଡ଼ ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଆଜି ଆପଣ ଭୟଭୀତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମୋଦିଙ୍କୁ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ୟାକୁ ନା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନା ମୋଦି ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିଲୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଶାଳୀନତା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ମୋଦି ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସତ୍ସାହସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯାହା କହିଲୁ ଭୁଲ କହିଲୁ ବୋଲି।